बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आल फोन फिक्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल से एक और पार्सल हमारी शॉप पर आया अंदरून सिंध सकरंट से। सकरंट से पार्सल भाई ने भेजा, यूट्यूब पर वीडियो देखी थी। तो आएँ इसको खोलते हैं और मोबाइल को रिपेयर करते हैं। मोटो एज प्लस मोटरोला का एज प्लस वाला मोबाइल उन्होंने भेजा है, जिसका हमने स्क्रीन जिसकी चेंज करनी है, डिस्प्ले चेंज करना है। तो पार्सल को खोलते हैं। तो इस पार्सल में उन्होंने दो मोबाइल भेजे हैं। एक रेडमी का मोबाइल है जो वाटर डैमेज है, डेड पीस है, ऑफ है। ये रेडमी वाला निकल आया तो इसको ऑन करना है। और साथ में ये वाला जो आया, ये है मोटरोला मोटो एज प्लस, इसका हमने डिस्प्ले चेंज करना है, एलईडी लगानी है, ओरिजिनल एलईडी लगानी है। तो कर्व वाला यानी कि इसका पैनल होता है, साइडों से गोलाई होती है, ये निकल आया है। आप देख रहे हैं मोटरोला मोटो एज प्लस। तो भाई ने एतमाद किया और व्हाट्सएप पर रब्ता हमसे किया और अपना मोबाइल भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत भाई, आपने हम पर एतमाद किया। तो मोबाइल में इस टाइम चार्ज नहीं है, चार्ज थोड़ा सा हो जाए तो एलसीडी की एलईडी की कंडीशन देखें कि एलईडी की कंडीशन क्या है। तो आएँ सबसे पहले हमने इसका बैक कवर हीट कर लिया हीट गन की मदद से। बैक ग्लास है इसका, शीशे का है, बैक ग्लास को हीट कर लेते हैं। एक्सरे पेपर की मदद से बैक ग्लास को खोलेंगे। मोटरोला एज प्लस का हमने पैनल चेंज करना है, स्क्रीन चेंज करनी है। तकरीबन 8 मिनट की वीडियो है तो वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिए, आपको इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसेस और तरीक़ेकार समझ आ जाएगा कि इसका पैनल चेंज करने का क्या तरीका है। तो बैक ग्लास खुल चुका है बड़ी ही एहतियात के साथ, क्योंकि ग्लास है प्लास्टिक का नहीं है। नीचे आप देख रहे हैं अनटच पीस है। तो आएँ मदरबोर्ड के एरिया के तमाम स्क्रू खोल लेते हैं। मदरबोर्ड के एरिया के सिर्फ स्क्रू खुलेंगे, नीचे चार्जिंग वाली साइड के स्क्रू इसमें नहीं खुलते, सिर्फ मदरबोर्ड के एरिया के स्क्रू खुलेंगे। मदरबोर्ड के एरिया के तमाम स्क्रू खुल चुके हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है वो हमने हटा लिया और तमाम रिबनें जो नीचे पैनल की रिबन है, बैटरी की रिबन है, उन रिबनों को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। रिबनों को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये जो मैं चीज़ उतार रहा हूँ इसको NFC कहते हैं। इसका काम चार्जिंग सेविंग का होता है, ये लगी हो तो बैटरी में चार्ज सेफ होता है। तो बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये जो छोटी छोटी रिबने हैं ये कुछ सिग्नल की हैं और कुछ साउंड की हैं, काफ़ी सारी इसमें रिबने लगी हैं। तो ये बोर्ड के साथ भी एक नट है जो नीचे फ्रेम के साथ लगा हुआ है, ये स्क्रू खोल लेते हैं। दो स्क्रू इसमें लगे हुए थे वो हमने खोल लिए, रिबने तमाम डिस्कनेक्ट कर दी। बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि एक रिबन इसकी बोर्ड के नीचे भी होती है, वो भी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। बोर्ड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हमने डैमेज एलईडी पैनल को बाहर निकालना है। बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, कैमरों पर हमने टेप लगा दी थी ताकि किसी किस्म की कोई डस्ट ना लगे। तो आएँ एलईडी डैमेज जो एलईडी है इसकी बाहर निकालते हैं। साइडों से हमने हीट कर लिया एलईडी पैनल को, जो डैमेज एलईडी पैनल है इसको हमने साइडों से हीट कर लिया। एक्सरे पेपर की मदद से फ्रेम से अलग करेंगे। इसका फ्रेम भी यानी कि मेटल का है, लोहे का है, तो बड़ी एहतियात के साथ हमने पैनल को बाहर निकालना है। कोई इशू नहीं होता इसमें, यानी कि पैनल निकालने में फ्रेम को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेटल का फ्रेम है। जो प्लास्टिक के होते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो के, उनके फ्रेम प्लास्टिक के होते हैं। तो हमें पैनल निकालते हुए बड़ी एहतियात करनी होती है कि किसी किस्म का फ्रेम को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसका जो फ्रेम है वो मेटल का होता है तो इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचता। बहरहाल हम फिर भी एहतियात के साथ डैमेज LED को एहतियात के साथ निकालेंगे ताकि कोई कांच का ज़र्रा हाथ में न लग जाए। तो लीजिए जनाब, LED निकल चुकी है। फ्रेम को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। ये है ओरिजिनल गम जो कंपनियां लगाती हैं, देख रहे हैं आप। तो इसको साफ़ कर लेते हैं, अच्छे तरीके से फ्रेम साफ़ होगा तो नया पैनल, नए स्क्रीन की फ़िटिंग अच्छी होगी, नया पैनल अच्छे तरीके से बैठेगा। ये साइडें आप देख रहे हैं, इसकी गोल साइडें हैं, पैनल भी आपको दिखाते हैं। फ्रेम का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया सफाई का, और अब गम लगा लेते हैं। ओरिजिनल जो मोबाइलों की गम होती है वो लगा रहे हैं। तो गम अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगाएंगे। अभी फ्रेम की बिल्कुल साइडों पर नीचे की तरफ जो पैनल का कॉर्नर जहाँ पे बैठता है वहाँ लग रही है गम। उसके बाद ये कर्व वाली जगह पे भी लगेगी जहाँ ये गोलाई सी होती है, ताकि पैनल अच्छे तरीके से चिपक जाए और बाहर ना निकले।
तो पैनल वैसे तो बाहर नहीं निकलता, ज़्यादा हीट हो जहाँ तो उस वजह से पैनल बाहर निकल जाते हैं। तो ये आ गया है ओरिजिनल मोटरोला एज प्लस का पैनल, देख रहे हैं आप कितनी बेहतरीन इसकी कंडीशन है, पन्नियाँ लगी हुई हैं पीछे की साइड भी, फ्रंट पर भी, और नीचे ये प्लास्टिक का ये दिया हुआ एक कवर सा जो रिबन को सेव रखता है। तो ये इसका जो फिंगरप्रिंट है वो सामने एलईडी के अंदर होता है। तमाम हमने ये जो सीलें लगी हुई थी ये खोल ली, फिंगरप्रिंट वाली जगह से भी सील उतार ली। अब फ्रेम के अंदर बिठाते हैं पैनल को, रिबन दाखिल कर दी आहिस्ता से, पहले नीचे वाली साइड से हमने पैनल को बिठाया और अब ऊपर वाली साइड से मुकम्मल फ्रेम के अंदर पैनल बैठ चुका है। एलईडी ओरिजिनल एलईडी हमने लगाई है, ये इसमें फिंगर वर्क करता है, इसमें कॉपी एलईडी नहीं आती, ओरिजिनल एलईडी ही आती है जिसमें फिंगर वर्क करता है। तो बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होता है। और आपने मेरी गुज़िश्ता जो वीडियोस है उसमें भी देखा होगा कि मोटोरोला के जो पैनल हैं बहुत बेहतरीन होते हैं, चलने में जानदार होते हैं। बोर्ड को हमने लगा दिया, टेप को ऊपर से कैमरों से हटा देंगे जो हमने लगाई थी ताकि कैमरों पर किसी किस्म के डस्ट ना लगे। अब तरीक़ेकार के मुताबिक जिस तरह हमने मोबाइल खोला था उसी तरीके से मोबाइल को मुकम्मल पैक करेंगे, फ़िट करेंगे, तमाम रिबने लगा देंगे। आखिर में आप इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे, फिंगरप्रिंट भी इसका वर्क करता है, कंडीशन भी बहुत, यानी कि इसका ब्राइटनेस भी बहुत बेहतरीन होती है। ओरिजिनल हमने पैनल लगाया है, तो उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह इसको वापस सकरंड हमने डिलीवर भी करना है। इनका जो दूसरा मोबाइल साथ में आपने देखा होगा, रेडमी वाला जो मोबाइल था जो वाटर डैमेज है, डेड आया है, इन्होंने बताया कि मेरे किसी बंदे के पास था दुबई में, किसी रिश्तेदार का मोबाइल है, तो वहाँ से यानी कि ये रिटर्न होकर आया है, तो यहाँ बनने के लिए दुबई या सऊदीया से रिटर्न होकर कराची बनने के लिए आया, बताएँ तो रिश्तेदार को इनका आया होगा तो उन्होंने इनको भेज दिया। तो हमने तमाम स्क्रू लगा दिए हैं, अब बैक ग्लास चिपकाना है, तो उसके बाद आपको ऑन करके मैं दिखाता हूं। तो जो इनका रेडमी वाला मोबाइल है उस पर टाइम लगेगा क्योंकि वो डेड है, ये वाला हमने ओके कर दिया, इंशाल्लाह ये हम डिलीवर कर देंगे और रेडमी वाले को 2-3 दिन लगेंगे, उसके बोर्ड पर काम होगा, ऑन होगा नहीं होगा ये तो काम के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल अर्जेंट इनका ये मोबाइल था मोटरोला यानी कि एज प्लस, तो इसमें चार्ज नहीं है, थोड़ा चार्ज कर लिया हमने, अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या रिज़ल्ट है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। ओरिजिनल एलईडी पैनल है, आप देख रहे हैं इसकी शार्पनेस ब्राइटनेस कितना बेहतरीन है। और मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से किसी किस्म की आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देख रहे हैं आपने इसका एज वाला यानी कि गोलाई वाला हिस्सा भी देखा, कितना बेहतरीन कैमरे का रिज़ल्ट भी है, तो बहुत बेहतरीन है। इन्होंने मुझे बताया कि ये मैंने कराची से ही मंगवाया था शायद ऑनलाइन, तो अब इन्होंने भेजा है बनने के लिए, हमारे पास एलईडी लगने के लिए भेजा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जनाब।